अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विलोग दास में खुश आमदीद जी। आज इतवार का दिन था तो आज हम खेलने आए हैं। आज हमारा बहुत बड़ा मैच है। ये मेरे सामने देखा स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रोफेसर आए हुए हैं, आज इनके साथ हमारा मैच है। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है जी, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज लेट आए हैं, कितनी बड़ी पसंद है यार। असल हमारा आज ही मैच था अल्फा ग्रुप एंड कॉलेजेस के, जो माशाल्लाह प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हमने कहा कि इनके साथ मैच लगाएं। तो ये आसिफ साहब, आसिफ साहब सुनाएं आप कैसे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं कैसा आज मौसम इस्लामाबाद का, देखें जी। मीर साहब आप सुनाए सर। बस पिछले हफ्ते में ट्रायल फाइव पे गया था, पूरी दुनिया देख रही थी जी। सर 1.5 घंटे में ट्रायल फाइव अबूर किया, सब पीछे रह गए थे। तो ये वकास साहब है जी। तो सर्दी में शुरू से बहुत लेट आए हैं आप, टाइम की पाबंदी नहीं करते आप। ये तो आपको जमा अच्छा, अब मैच की तरफ आए ना, नाश्ता जो आप पे पड़ गया है ना, बंद करें अब मैच खेलें। तो नजीब साहब को कहना था जी मैच खेलें, तो आप सबसे पहले हम टास्क करेंगे, फिर आपको बताएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जो अगर हम जीत के तो ये हमें खिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे जी। अगर हम हार गए तो हम इनको करवाना है। हाँ, क्योंकि आप लेट आए हो, नाश्ता आप नहीं करवाना है। लेकिन जो जीता जो हारा नाश्ता आपने करवाना है, ये बात कंफर्म है। ये हमारे साने अगर ये कहें हमें श्रीना में लेके जाएं तो मैं पीसी पे ले जाऊंगा। तो ये देखें जी, इस्लामाबाद का मौसम कितना प्यारा है। हमारे सामने बिल्कुल देखें बरकों का ये फ्लाई ओवर है। तो आज मान का कल चेक करें, आप भी देखें ये मुख्तलिफ टीमें आके खेल रही है। इस साइड भी पिच है, ये हमारी पिच है और इनसे पीछे भी पीछे। तो ओवरऑल काफी मजा आने वाला है आज क्रिकेट खेलने का। तो ये हमारे प्लेयर हैं, ये देखें ये वार्म अप हो रहे हैं इस टाइम। ये देखें हम जान पे जहाँ आपने नाश्ता करना है, ये देखें। तो ये दोस्त आरएस भाई चलें फिर आप। तो आरएस भाई बताएं आप नाश्ता हारने के बाद, वकास साहब कैसा लग रहा है? आपको एक छक्का मैंने नहीं मारा है, पता आपको? ना करें आप खाने के बाद। क्यों फहद भाई, प्रोफेशनल प्लेयर अली भाई सर, सिर्फ इस पे फोकस करें। एक मिनट, जो कच्ची पिच का हीरो था इसने हमें जीरो करवा दिया था। और सर आप बताएं, आपने तो आज यहाँ मेरे चौड़े पे मार के तोड़ दिए चौड़ा। चले मंग जान पे जाए आप, मैं आ रहा हूँ। तो गाइस अब हम जाएंगे मंग जान पे नाश्ता करने। तो मिल गई मोबाइल सर, कॉल कर मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। तो गाइस मैच हारने के बाद हमारे जो मुखालिफ टीम के हैं मतियुल्ला साहब इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मतियुल्ला साहब बताएं, आज आपने हमें हरा दिया, कैसा लग रहा है? नाश्ता करना है आप? बिल्कुल नाश्ता करना, नाश्ते पर तो शर्त लगी हुई थी। अच्छा नाश्ता नाश्ता लगा था जी। आज अल्फा जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उनके साथ हमारा मैच था, बदकिस्मती से आज हम हार गए। तो हमारे साथ ही आगे जा रहे हैं वकास भाई, आप मंग जान पे जाएं, हम आ रहे हैं मंग जान पे। जिनेद को पता है मंग जान पे? ओके मजा आ गया जी, मजा आ गया। लेकिन हार गए, लेकिन हारने के बावजूद जी मजा आ रहा है। यही तो दिन होते हैं जब बंदा मोहब्बतों से कहीं बैठते है, वरना आजकल के इस दौर में कहाँ किसी के पास टाइम कहीं बैठ के खाएं पिए। तो ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं जी अल्फा स्कूल में मतियुल्ला साहब। तो अब इंशाल्लाह हम जाएंगे मंग जान पे, वहाँ जाके हम नाश्ता करेंगे। गाइस फहद भाई हमें दोबारा लेने आ रहे थे, मैं और मतियुल्ला साहब अभी पीछे रह गए थे, मोटरसाइकिल ख़त्म हो गई थी। तो अब हम बाइक पे बैठेंगे और नाश्ते वाले आगे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ नाश्ता करेंगे हम जाके। हमने हराया, हमें नाश्ता खिला रहे हैं। ये देखें जी नाश्ता तो बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया जी। बैठ गए मतियुल्ला साहब, मतियुल्ला साहब बैठ गए हैं। तो अब यहाँ से चलेंगे हम। फहद भाई आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आज आप हमें लेने आए वापस। तो वो शिकस्त मिली है जहाँ से हमने गुजरने हैं। आज तक आपने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा, ऐसा वर्णा नहीं देखा होगा। सुबह 7 बजे उठे, रात को फहद भाई किधर है? ये बंदा आपको नजर आ रहा है? इसने कहा मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है, मुझसे कोई जीत नहीं सकता इस कच्ची पिच पे। लेकिन ये हमारे साथ जो जीतने वाली टीम के कप्तान हैं नजीर साहब, अल्फा ग्रुप एंड कॉलेजेस, अल्फा ग्रुप एंड कॉलेजेस की जी माशाल्लाह ओनर हैं यहाँ पे। तो सर बताएं आज आप बच्चों को पैगाम भी दें। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ खेल के, एंजॉय भी हुआ। लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप लोग बिल्कुल खेल के। खास किसको? इसको, इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। किधर गए हो? ये आपकी टीम का लोटा जो उधर चला गया उसको क्या कहते हैं? लोटा, लोटा। ये अमार भाई है ना, अमार भाई, एक भी ले अमार भाई।
काशम आप जीते हमारे सर पे हैं। अगर वो पहले वाला मैच मैं अपनी टीम में होता तो जीत जाते। तो गाइज ये था बाकी जो है ना एक बंदे को मैं क्या मैदान एशियन में पकड़ूंगा इस बंदे को। अभी तक मेरा चौड़ा जो है ना गया, कितना प्लास्टर लगाना पड़ेगा वो मुझे पता है। गलती आप लोगों की है जी नहीं बंदा ऐसा हमने दिया था तो बंदा आपको था वैसे डीलिंग कर लेते कि तू हमारे तरफ से मत के यार हम आप इस तरह से आप लोग के बंदे नहीं थे। हमने के गैदर बस चले मैच खेल रहे पूरी रात मीटिंग हुई थी बंदों का रखा वाला बिना रखा है जी हमने। तो गाइस ये थी माशाल्लाह हमारा जो टेबल है। तो हमारे जो दो बंदे पिछल के यहां बैठे हैं क्यों जी विकास भाई क्यों यहां क्यों बैठे हैं आप सर? मैं देख दिखाऊंगा। तो ये हमारी टीम थी जी। अब मैं जाऊंगा जहाँ पे प्यालों में नाश्ता दिलवाऊंगा और सबके लिए प्यार मोहब्बत से अपने कुआरे हाथों से लेके आऊंगा नाश्ता। वो अलग बात है मेरी शादी के 7 साल हो चुके हैं। बस तो जी हारने के बाद ये आए हैं। चाचा जी क्या नाम तो संदा शायद महमूद साहब जी हमारे लिए देखें ये अंडों वाले जो चने लगा रहे हैं। तो ये देखें कितने सारे बड़े बड़े प्याले हैं। तो आप माशाल्लाह ये देखें डालेंगे शायद साहब। तो नीचे हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। ये एक प्याला लगाया, पूरे 6 प्याले लगाएंगे ये हमारे लिए। दूसरा प्याला हमारा लग चुका है, तीसरा प्याला लगा रहे हैं। ये देखें 3 प्याले हो चुके हैं। ये चौथा प्याला हमारा लग रहा है। अब ये 5वां प्याला लगेगा हमारा। वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब 6ठा प्याला लगाएंगे ये। प्याले हमारे चने डाल गए। तो अब ये 6 जो है इसमें देखें ये 2 अंडे वाले थे और अब इसे ट्रे में डाल के नीचे जा रहे हैं, काली मरी डाल रहे हैं। ये जो अंडे नहीं नहीं 6 प्याले हैं जो अंडे वाले हैं जी। ये आज नज़ीर साहब ने एक ऐसा स्पेशल कैच पकड़ा है जिसकी मिसाल शदाब खान भी नहीं मिलती इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ हाँ आपको और प्लेटें मिलेंगे अगर प्लेटों में अलग डालना होगा। प्लेटों में डालो मैं, प्लेटों में डालो खाए। ये देखें जी चने सर्व हो रहे हैं। एक और लगा दें प्याला। एक प्याला और ले आए साथ कर उधर बैठ जाऊँगा खाएँ आप खाएँ। साहब बताएं नाश्ते में कोई कमी बेशी क्योंकि आपने बहुत बड़ी जीत ली है आज, इसे बड़ी जीत कहा जाए क्यों विकास साहब? मैं कह रहा हूँ बाहर कुकिंग का प्लान करें कहीं बैठे शटे कुकिंग शुकिंग का बाहर। तो सर ये भी कोई बात है आप मुझसे बात न कर लें और बात पूरी ना हो क्यों फात भाई? मेरी गारंटी ये आरिस भाई देंगे क्यों आरिस भाई? इस बात मामले में अगर आप कहें मरी जाना तो वो भी बक्सा हाजिर होगा, आप खुद चला के चले जाएं वीआईपी। सर बक्सा 18 सीटर यानी कि 15 लग्जरी आपने की लॉन्ग टूर पे जाना हो। अभी मैंने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था, स्टेटस लगाया था वादी नीलम 3 डेज बर्फ में और पर पर्सन 10,000 खाना पीना रिहाइश सब कुछ जी बेहतरीन है सर। क्यों नसीब साहब आज जब आप कहें सर इसी बंदों को बिठाएं और ले जाएं इस जीत की खुशी में आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए। तो माशाल्लाह से जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज किसी बहाने हम सब एक टेबल पर बैठे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जिनके साथ जिनका मैं तालबिल्म रहा हूँ खसूसन
नज़ीर साहब से मैंने मताला पाकिस्तान पढ़ा है 2014-15 में, वकास साहब से मैंने फिजिक्स पढ़ी है, और मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं था लेकिन असीब साहब भी मेरे दौर में बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, और बड़े फ़ख्र की बात है कि इनके दौर के पढ़े हुए बच्चे आज आर्मी मेडिकल में पढ़ रहे हैं, जिनमें एक जंगीर था मेरे ख्याल अरीज मज़र भी थी और फुरकान भी था, क्यों जी नज़ीर साहब। और बरकों में मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैरियर कॉलेज था उनकी बुनियाद रखने वाले भी यही साजा इकराम थे, तो बड़े आपने टीचर हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचा है, ठीक है, तो हमारा उनको गाइड भी किया है, बताया कि अल्लाह ताला कामयाब करे। यू क्या आर्मी मेडिकल कॉलेज क्या स्टंगिंग एडवर्ड अलामा इकबाल मिस्टर हजरत हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मतलब ग्रेड्स मिलते भी हैं, अच्छा वक्त गुजरा हुआ, अल्लाह ताला कामयाब करे। तो अब माशाल्लाह उन्होंने जी एक नया सेटअप भी खोला क्यानी रोड पे अल्फा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से, और बरकों में मैं ये दावे से कहता हूँ कि इस लेवल की एकेडमी कहीं पर मौजूद नहीं होगी जहाँ पर मोर देन 300 स्टूडेंट अभी भी ज़ेर तालीम हैं और काबिल बच्चे हैं, मतलब कि 98% तक भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 98% नंबर लिए हैं और बरकों में टॉप पर हैं इस अकेडमी में पढ़ के। तो नज़ीर साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से आप बच्चों को तालीम के हवाले से? हसीब साहब आपको कोई पैगाम? पहले एकेडमी को कामयाब बनाया, अब इंशाल्लाह मॉर्निंग में हमने पहला सेटअप हमारे साथ स्टार्ट कर दिए, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मजीद जो है वो अमाम हम पे भरोसा करेगी और उसको देखेंगे। तो गाइज आज का हमारा व्लॉग सिर्फ ये नहीं था कि हमने टाइम ज़ाया करना है आना है जाना, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक अरसा दराज बाद तकरीबन 9 सालों बाद अपने उन असाज़ा इकराम के साथ बैठा, और यानी कि मैं खुशकिस्मत एक स्टूडेंट हूँ जो आज भी मेरे जो उस्ताद हैं जो माँ बाप का दर्जा होता है उनका साया मेरे सर पे सलामत है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जब साज़ा इकराम के साथ बैठता हूँ उनसे और इल्म हासिल करता हूँ। तो इंशाल्लाह आज का हमारा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया।